हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएंगे ऐसी सब्ज़ी जो दो ही चीज़ों से बनती है, एक हरा धनिया और बेसन। अगर सब्ज़ी बनाने के लिए घर में कुछ ना हो तो इस तरह आप सब्ज़ी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक पाव हरा धनिया लिया है, इसे इस तरह मैंने तोड़ लिया है। एक प्याज, एक टमाटर, थोड़ा सा लहसुन, आधा चम्मच जीरा। प्याज, टमाटर और हरा धनिया हम बारीक काट लेंगे और लहसुन जीरा का हम मिक्सर में पेस्ट बना लेंगे। इसे हमें बारीक पीसना है। हरा धनिया मैंने पहले से ही धो कर रखा है, इसे हम बारीक काट लेंगे। इस तरह मैंने हरा धनिया, टमाटर, प्याज बारीक काट लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह मैंने काट लिया है। इसके लिए एक कटोरी बेसन लगेगा। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। गैस पे बर्तन रखेंगे, इसमें तेल डालें, तेल को गर्म होने दें। अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून राई, प्याज, लहसुन जीरा का पेस्ट एक टीस्पून, इसे हम मिक्स करेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। लगातार चलाते रहिए, अच्छे से हमें इसे भूनना है। थोड़ी देर हमें इसे पकाना है, लहसुन का कच्चापन जाने तक हमें इसे पकाना है। देख सकते हैं आप, इसके लिए हमें गैस की हाई फ्लेम रखनी है। लगातार चलाते रहिए। हाई फ्लेम पे हमें पकाना है। अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टेबल स्पून नमक। नमक आप स्वादानुसार डालें और इसे मिक्स करें और थोड़ी देर भूनिए। लगातार चलाते रहिए। इसे हमें थोड़ी देर पकाना है। अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन, इसे भी मिक्स करेंगे और मसालों के साथ थोड़ी देर भूनेंगे। इसे हमें अच्छे से भूनना है। बीच बीच में चलाना है। अब हम डालेंगे टमाटर, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। टमाटर गलने तक हमें इसे पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम लो करेंगे। लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, बीच बीच में चलाना है।
तरह हम थोड़ी देर पकाएंगे। टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। देख सकते हैं आप। अब हम डालेंगे गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, इसे भी मिक्स करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे। अब हम डालेंगे पानी और मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ करीब 2.5 ग्लास पानी डाला है। अब इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे, इसे उबाल आने तक हम इसे पकाना है। तब तक हम बड़ी बनाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए एक बर्तन में मैंने हरा धनिया लिया है, इसमें डालेंगे बेसन। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लहसुन जीरा का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक 1 टीस्पून। इसे हम अभी मिक्स करेंगे। और थोड़ा पानी डालेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ बेसन ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कटोरी बेसन यूज़ किया है। इसमें अभी पूरा बेसन मैं डाल रही हूँ और इसे मिक्स करूँगी अच्छे से, और थोड़ा पानी डालूँगी। इस तरह हम अच्छे से मिक्स करेंगे। करीब 1 कटोरी बेसन मैंने यहाँ यूज़ किया है। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब सब्जी को उबाल आ गया है, अब इसमें हम बड़ी डालेंगे। गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है। हाई फ्लेम पे हम इसमें बड़ी डालेंगे। इस तरह हम बड़ी तैयार करके डालेंगे। जब सब्जी बनाने के लिए घर में कुछ ना हो तो इस तरह हम बेसन और हरा धनिया यूज़ करके सब्जी बना सकते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। जब हम बड़ी डालते हैं तब हाथ से अगर ना छूटे तो इसके लिए आप थोड़ा पानी यूज़ कर सकते हैं। पानी में हाथ डालें और फिर से बड़ी बनाएं। इस तरह हम आसानी से बड़ी बना सकते हैं। गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है। हाई फ्लेम पे हमें इस तरह बड़ी बनानी है और इसे अच्छे से उबलने देना है। इसे आप कोफ्ता भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसे फ्राई नहीं किया है, डायरेक्ट मैं सब्जी में डाल रही हूँ।
कम से कम चीज़ यूज़ करके हम इस तरह सब्ज़ी बना सकते हैं। ज़्यादा मसाले भी इसमें लगते नहीं हैं, बहुत ही आसान तरीके से सब्ज़ी बनती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह हमारे पूरी बड़ी बन के तैयार हो गई है। अब इस बर्तन में थोड़ा पानी डालेंगे। और वो पानी हम सब्ज़ी में डाल देंगे। इस तरह हम पानी इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं इससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती है, इसलिए मैंने पानी डाला। आप देख सकते हैं उबल रहा अच्छे से। थोड़ी देर इसे पकने दे, हाई फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। अभी से इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना क्योंकि वो बड़ी टूट जाती है। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ चम्मच चलाया है, आप इसमें अभी से चम्मच नहीं चलाना। देख सकते हैं आप बड़ी। अब इसे पकने दें थोड़ी देर। अब हम ढक देंगे, थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब हम सर्व करेंगे। इस तरह हमारी हरा धनिया और बेसन की वड़ी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं, आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए और कमेंट्स करके बताइए कैसे बनी। इस तरह आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।